एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 30% बच्चों की शिक्षा पर और शेष का 12.5% परिवहन पर खर्चा जो है करता है। इन सभी खर्चों के बाद भी वह 9800 रुपया बचाता है तो उसकी मासिक आय की गणना करें। तो इस प्रकार के सवाल परसेंटेज का है, तो 100 मानकर हल करते हैं। आइए माना कि कुल जो आय है उसका 100 है और 20% वह जो है भोजन पर खर्च कर देता है, तो रिमेनिंग जो है 80 बचा, 80%। शेष का 30% वो बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है, यानी 8 तेई का 24, 24% इस पर खर्च करता है। तो 80 में 24, 30 घटा तो 50, और 56% शेष बचा, और शेष कह रहा है परिवहन पर 12.5%, यानी 56 का 12.5% जो है परिवहन पर खर्चा कर देता है। 12.5% यानी 125 बटा 100, पच्चीस पच्चीस 125, 25 6 का 100, 5 20 100, 20 6 का 80, 1/8 फ्रैक्शन होता है 12.5% का। कैसे? तो देखिए ये 12.5% है, जब ये गया तो 10 और गुणे 100 हो जाएगा। 25 5 125, 25 6 का 100, 5 × 2 = 10, 5 × 25, 5 × 10, 125 × 200, यानी 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू होता है। तो 56 में से आप 8 घटाइए, यानी 49% जो है, 49 की वैल्यू दिया है 9800, यह बचत है, और बचत की वैल्यू दिया है 9800, यानी 49 का कितना गुना है, 200 गुना 49 गुना, तो 100% की वैल्यू ज्ञात करना है। 100, तो 100 में 200 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कुल जो है मासिक है 20,000 रुपया है। ये 12.5% ऐसे होगा, 12.5%, तो ये गया तो 10 आया, और 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और 125 से काटिए, 125 × 8 = 1000, इसलिए 1/8 आएगा। 49% बचत है और इसकी वैल्यू दिया है 9800, तो ये 200 गुना है, और 100% की पूछ रहा है मासिक है, तो 100 × 200 यानी 2020,000 रुपया जो है होगा।